दोस्तों, राजस्थान में मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तीन पार्टियों के साथ गठबंधन। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर और खुशी की खबर कि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हुआ राजस्थान में तीन पार्टियों के साथ गठबंधन। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि किन तीन पार्टियों के साथ राजस्थान में मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होने वाला है गठबंधन, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजस्थान विधानसभा चुनाव में तीन पार्टियों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन तीसरा मोर्चा बनाकर पांच पार्टी एक साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे थे, तो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहां सबसे ज़्यादा कामयाबी मिली थी। इसका अंदाज़ा असदुद्दीन अवैसी साहब को भी नहीं था, और वही काम असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजस्थान विधानसभा चुनाव में करने वाली है। दोस्तों, पिछले तीन सालों से भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाजवादी पार्टी राजस्थान में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और मायावती की पार्टी बीएसपी का राजस्थान में संगठन काफ़ी मजबूत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मायावती की पार्टी बीएसपी, चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन गठबंधन को लेकर इन तीनों पार्टियों में बात चल रही है, और बहुत जल्द इन तीनों पार्टियों के नेता गठबंधन का घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पिछले एक साल के अंदर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब राजस्थान में 10 से 15 प्रोग्राम कर चुके हैं, और मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन राजस्थान में बहुत मजबूत हो चुकी है। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजस्थान में पूरी मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों, अगर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन इन दोनों पार्टी के साथ नहीं होते हैं तो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मजबूती से अपने दम पर राजस्थान विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। इसका अंदाजा हम और आप अभी से लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं और हमारे वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो में कमेंट, लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों, मैं मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर इस चैनल पर अपलोड करता हूं। बड़ी आसानी के साथ मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर नए पुराने खबर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया इमाम न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।